आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। हमें पहले से पता है जितने घात का समीकरण होता है मैक्सिमम उतने आप उसके शून्य होते हैं। अगर तीन घात का बहुपद है तो तीन शून्य होंगे, चार घात का है तो चार शून्य होंगे, दो घात का है तो दो शून्य होंगे, और एक घात यह तो भी कितने हमारे एक शून्य हो सकता है। तो हम आज दो घात को इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन घात का बहुपद, तीन घात का बहुपद इसमें मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं, दो शून्य हो सकते हैं। इसमें दो शून्य क्या होते हैं, एक होगा अल्फा और एक होगा क्या बीटा। अब शून्य का योग होता है, एक होता है शून्य का योग तथा एक होता है शून्य का गुणज। अगर दोनों शून्य को जोड़ दिया जाए, शून्य का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जोड़ दिया जाए दोनों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ये देखिए यहाँ यक्ष स्क्वायर का गुणांक ए है, बी का गुणांक यक्ष का गुणांक बी है, और अचर पर क्या है सी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। एक चीज आप ध्यान दीजिए, दूसरा होता है शून्य का गुणज, शून्य का गुणज मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का किस क्या होता है सी बाई ए। इसमें कॉमन बात ये आप ध्यान देना है कि पहली जो लेंगे अच्छा यक्ष का पद, यक्ष का पद मतलब हर एक को नीचे क्या रहेगा हमेशा, आप अधिकतम घात जितनी रहेगी उसी का गुणांक रहेगा। अधिकतम घात अगर तीन रहता तो तीन वाला गुणांक रहता, यक्ष क्यूब वाला ही गुणांक नीचे रहता, अगर एक घात है एक घात वाला ही गुणांक नीचे रहेगा, मतलब अधिकतम घात जिससे भी रहेगा जो भी रहेगी वही नीचे होगा। इसमें देखेंगे बी क्या है, यक्ष का गुणांक है, बी क्या है यक्ष का गुणांक है, और यहाँ बटे यक्ष, ये किसका गुणांक है यक्ष स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और इसमें क्या है अचर पद है, नीचे क्या है ये भी यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। आप ध्यान देंगे तो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में आपको यक्ष स्क्वायर का ही गुणांक मिला, पहला पद माइनस में लिया गया है, दूसरा पद प्लस में लिया गया है, या फिर सीरियल टाइप का चलेगा। अगर ये तीन घात का है तो पहला पद माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा जो आएगा वो क्या होगा माइनस हो जाएगा। लेकिन अभी द्विघात समीकरण पे पढ़ेंगे। अगर कोई द्विघात का समीकरण आपको दे दिया जाए और उसके शून्य की जांच करने के लिए कहेगा शून्य निकालिए उसकी सत्यता की जांच करके, तो आप एक द्विघात का समीकरण ले लीजिए कोई भी, जैसे ले लेकर जो द्विघात का समीकरण ये एक पी एक्स बराबर हमने ले लिया एक्स क्यूब माइनस में तीन, सॉरी द्विघात का लेना है कि यक्ष स्क्वायर माइनस में तीन, ये एक द्विघात का समीकरण है। यहाँ पे यक्ष का पद जीरो है, यक्ष का पद क्या है जीरो है नहीं, मतलब यक्ष का पद क्या है जीरो है। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्ष स्क्वायर माइनस जीरो यक्ष प्लस जीरो यक्ष माइनस तीन, ऐसे कर देंगे, क्योंकि अगर जीरो का किसी संख्या में गुणा होगा तो क्या होगा जीरो आ जाएगा और फिर क्या आएगा तीन आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये बराबर मतलब या इस बात का गुणांक क्या है एक, कुछ नहीं है तो एक है। बी बराबर क्या आ रहा है यहाँ से जीरो गुणा है मतलब जीरो, और अचर पद क्या आ रहा है सी बराबर माइनस में तीन आ रहा है। तो शून्य का योग होता है, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है पता है हमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब बी के स्थान पे क्या हमारा यहाँ बी के स्थान पे है जीरो, और ए के स्थान पे आपका है क्या एक, जीरो बटे एक, जीरो बटे एक क्या वैल्यू क्या आती है जीरो आ जाता है, ठीक है। ये आपका शून्य का योग हो गया। अगर शून्य का गुणन निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, अचर पद गुणे यक्ष स्क्वायर का गुणन, यहाँ पे अचर पद क्या सी वैल्यू है माइनस में तीन, और अचर पद के बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक एक, ये माइनस तीन बटे एक करेंगे तो तीन बटे एक का मतलब हो गया माइनस तीन आंसर आगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमें बहुपद का जो द्विघात का बहुपद जगह उसका गुणांक पहले निकाल ले हम लोग, पहले उसको शून्य निकाल लें द्विघात समीकरण बना के उसको सॉल्व कर, देखिए जैसे है यक्ष स्क्वायर माइनस में तीन, अब इसको अगर हमें गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, पहले देखिए इस सूत्र में क्या है ये बराबर जीरो है, ठीक। अब फिर आगे क्या करेंगे यक्ष स्क्वायर माइनस तीन है तो इसको लिख सकते हैं यक्ष स्क्वायर माइनस अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखिए
ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, बहुत सालों से पढ़े चले आए हैं, तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और एक पोस्टर में ए प्लस बी, देखो गया ए माइनस बी और दूसरे वाले पोस्टर हो गया ए प्लस बी, मतलब यक्स माइनस अंडर रूट तीन और यक्स प्लस अंडर रूट तीन बराबर क्या हो गया जीरो हो गया। मतलब अभी क्या है ये एक पार्ट जीरो या फिर ये पार्ट या फिर दोनों पार्ट जीरो, माना जब पहले ये वाला पार्ट जीरो यक्स माइनस अंडर रूट तीन बराबर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। अगर यक्स माइनस अंडर रूट तीन बराबर जीरो है तो यक्स का ये अंडर रूट तीन इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा यक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में तीन, अगर यक्स प्लस अंडर रूट तीन बराबर जीरो है, यक्स प्लस अंडर रूट तीन बराबर जीरो है, यहाँ से यक्स बराबर आपका आ जाएगा माइनस में अंडर रूट में तीन, ठीक है। अब यक्स के दो गुणांक आ गए, यक्स के गुणांक क्या क्या है, एक आया है प्लस में अंडर रूट तीन और एक आया है माइनस में अंडर रूट तीन। अब शून्य का योग निकालिए, अगर शून्य का योग निकालेंगे मतलब दोनों गुणांक क्या करेंगे, दो शून्य है ये इसकी वैल्यू रखेंगे ये इसका मान क्या जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों शून्य हो गए। अगर ये दोनों शून्य है शून्य का योग करके, शून्य का योग मतलब अंडर रूट तीन प्लस में और अंडर रूट में सॉरी पहले शून्य का योग निकाल लेंगे अगर हमें सत्यता की जांच करनी। अब देखिए शून्य का योग मतलब होता है कि दोनों शून्यकों को जोड़ दिए जाए, अगर दोनों शून्य को जोड़ दिए जाए क्या अंडर रूट तीन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, दोनों शून्य एक शून्य है अंडर रूट में तीन और दूसरा वाला है माइनस अंडर रूट तीन, कितना है माइनस में अंडर रूट तीन। अगर प्लस और माइनस दोनों जोड़ दिए जाते क्या है प्लस माइनस करके क्या होगा जीरो हो जाएगा। और हमारा पहले भी क्या आया था दोनों शून्य का योग निकाले थे जीरो आया था, और यहां से भी जब दोनों शून्य जोड़ रहे थे भी कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। अगर दोनों शून्य का गुणन निकालेंगे, दोनों शून्य का क्या करें गुणन निकालें, दोनों शून्य को आपस में गुणा कर दें तो अंडर रूट तीन गुणे माइनस अंडर रूट तीन। अब प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस में आएगा उत्तर, कितना आया माइनस में, अंडर रूट तीन गुणे अंडर रूट तीन करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे यहाँ से तीन आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आया था हमारा शून्य का गुणा किए थे, शून्य के गुणा फार्मूले से निकाल दिए थे तो आपका माइनस तीन आया था, और हमने डायरेक्ट लेकर भी निकाला तो भी कितना है हमारा माइनस में तीन आया। अब इससे कह सकते हैं ये सत्यता की जांच में क्या पाया गया सत्य पाया गया है, ये सत्यता की जांच में सत्य पाया गया, ठीक है सत्यता की जांच में ये क्या है सत्य। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, पहले क्या करेंगे कोई विभाग का समीकरण आपको दिया है, अगर उसमें पहले चेक करिए कि ए का मान क्या है बी का मान क्या है सी का मान क्या है, ए होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है यक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद, तो हमें पता कर लिया कि समीकरण में यक्स का गुणांक नहीं था इसलिए हम लोग यक्स का गुणांक कितना मान लेंगे जीरो है, तो बी बराबर क्या हो गया जीरो। अब शून्य का योग का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए करेंगे तो जीरो बटे एक हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का यहाँ से आया था सी बाई ए, तो लोग क्या थे सी बाई ए, सी की वैल्यू माइनस तीन बटे एक, माइनस तीन में एक से भाग करेंगे तो भी माइनस में तीन आएगा। अब ऐसे निकालिए फिर उसी के बाद हम लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड किए तो उसके दो शून्य निकल गए, एक शून्य का आया प्लस अंडर रूट तीन और एक दूसरा आया क्या माइनस अंडर रूट तीन। अब जो दो शून्य का आ गए दोनों शून्य को जोड़ दिया, अंडर रूट तीन प्लस में अंडर रूट तीन माइनस में, दोनों शून्य को जब जोड़े तो जीरो आ गया, और फिर जब दोनों शून्य का आपस में गुणा किए अंडर रूट तीन में अंडर रूट तीन, अंडर रूट तो खत्म हो गया लेकिन प्लस को गुणा माइनस में जब हुआ तो क्या हुआ माइनस में उत्तर आ गया, मतलब दोनों का हुआ आप उत्तर मिला लेंगे तो दोनों का क्या है सेम आ गया। तब इससे क्या हुआ हमारा इस शून्य के मान क्या है सत्य पाए गए, ठीक है। अब देखिए अभी आपको जो भी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन होगा आपके पास होगा आप उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर आपको कोई शून्य का योग दे दे अभी तक आपको समीकरण दिया गया था आप उसको शून्य के योग निकाल रहे थे तथा उसकी सत्यता की जांच कर रहे थे, अगर आपको दिया गया है कि कोई शून्य का योग दिया गया है, शून्य का क्या दिया गया है योग दिया गया है, शून्य का योग दिया गया आपको योग दिया गया है एक, और शून्य का गुणज दिया गया है, शून्य का गुणज गुणज दिया गया है वो भी मान लो एक दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके द्वारा एक बहुपद लिखिए, इसके द्वारा क्या करना है बहुपद लिखना है, इन दोनों के उपयोग करके बहुपद बहुपद लिखिए, अगर हमें बहुपद लिखना है तो हम देखते हैं क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एच प्लस सी, जिसमें क्या होता है उनका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस बी बाई ए। और हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है प्लस ए, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है प्लस ए, दोनों का मान क्या है ये शून्य का उलट मतलब अल्फा इंटू बीटा और शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। अब हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों पता है ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे कर सकते हैं तो फिर जीरो रहने दें। देखिए बराबर अब देखिए सी हो गया, अगर यहां से ए में भाग कर दे, ए से क्या करें सब में भाग कर दे, क्योंकि आप जो भी फार्मूला है इसमें लिख रहे हैं बी बाई ए सी बाई ए आसान हो जाएगी, ए से एक काट दिया आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर। अब देखिए यहां बी अपॉन ए आ रहा है, बी अपॉन ए किसकी वैल्यू होती है बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, लेकिन अगर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक दिया गया है और बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, अगर यहां हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा तो बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इस साइड चला आया माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे माइनस में ही रख देंगे। आप समीकरण था एक्स स्क्वायर, अब देखिए बी बाई ए की वैल्यू कितनी है एक है तो उसको माइनस में रख देंगे तो माइनस एक गुणे एक्स प्लस, अब देखिए बी सी बाई ए सी बाई ए किसकी वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, तो यहां से हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई एक, मतलब सी बाई ए की वैल्यू कितनी दी गई है एक दिया गया है, तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ से सी बाई ए के स्थान पर क्या रखेंगे एक रख देंगे बराबर क्या करेंगे जीरो। अब यहाँ से एक का प्रयोग एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में माइनस इंटू जीरो, आपका ये वहां पर तैयार हो गया, आपको जो शून्य के योग दिए गए थे शून्य के गुणज दिए गए थे तो आपने वहां पर क्या किया एक लिख दिया। अब पहले देखिए एक स्टैंडर्ड पहले क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब उसमें ए से भाग कर दीजिए क्योंकि हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होता है, मतलब बाय के रूप में अपान के रूप में ए ही रहेगा, हमने ए से ही क्या किया भाग किया आगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब उसके बाद देख रहे हैं यहां से हमें बी बाई ए लेके आना है बी बाई ए, और हमें बी बाई ए नहीं लेकिन माइनस बी बाई ए की वैल्यू पता है माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है पता है, कैसे पता है क्योंकि दिया गया शून्य का योग दिया गया है एक और शून्य का गुणज भी दिया गया है एक, तो हमने कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए के मतलब सी बाई ए भी एक है। ठीक है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हम लोग का वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर करिए लाइक और सब्सक्राइब करें शेयर करना कमेंट करेंगे तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें पता चलेगा हम लोग कैसी वीडियो बना रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए थैंक यू।